हेलो फ्रेंड्स, आज आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक पंप कैसे बना सकते हैं, जो कि ये गियर पंप है। ये हमारे घर में यूज़ होने वाले सेंट्रिफ्यूगल पंप से बहुत डिफरेंट होता है। इसका यूज़ हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज़ होता है, जैसे कि क्रेन, एक्सीलेटर और जो भी हाइड्रोलिक हमारी मशीन्स होती हैं उन सभी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है गियर पंप जो कि एक मोटर बाइक का है, जिस पे आप एक लोगो भी देख सकते हैं होंडा का। इसे मैं एक स्क्रैप बाइक से लेकर आया हूँ। चलिए अब इसे हम ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर टू गियर्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, जो इंटरनली मैस्ड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरह से मैश होकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये इसकी आउटर केसिंग है, जिसमें ये सारे पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं। ये यहाँ पे आप एक स्पेस देख रहे हैं, इसमें हमारा फ्लूइड, इसमें हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है। और ये यहाँ पे हमारे इनलेट और आउटलेट वो है, वाल्व्स हैं। ये इस तरह से परफेक्टली मैश्ड होके एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये यहाँ पे आप इसकी गैस्केट देख रहे हैं, जो इसे एयर टाइट करती है कि ऑयल इसमें से बिल्कुल लीक ना करे, नहीं तो हमारे पंप की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम इसे टेम्पररी क्लोज कर देते हैं। चलिए मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप एक वाइट पेपर पर देख रहे हैं, मैंने इस पंप का प्रिंट बना लिया है, जो उसके आउटर केसिंग का है। और इसमें मैंने मार्क कर लिया है कि जो इसमें हमारी शाफ्ट आउटपुट है और जिससे हमारा फ्लूइड का इनलेट और आउटलेट होगा, वो भी मार्क कर लिया है। और इसे मैंने एक पीवीसी प्लास्टिक पे पेस्ट कर लिया था। और बिल्कुल उसे बिल्कुल एग्जैक्ट कट कर लिया पंप के अकॉर्डिंग टू शेप। और इसमें मैंने ड्रिल भी कर लिए जहाँ पे हमारे इनलेट और आउटलेट थे, और शाफ्ट के आउटपुट थी, और जो हमारे स्क्रू के आउटपुट थे वो भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये मैंने बड़ा सा एक सर्कुलर डिस्क, दो छोटे पीवीसी प्लास्टिक को कट करके और उसे मैंने ग्राइंड करके बनाया है, जिस पे हम इनलेट और आउटलेट के जो पोर्ट होंगे उसे हम अच्छे से फिट कर सके, मीन्स हम उसे सपोर्ट दे सके, इससे हमारा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मैंने सबको बनाते हुए इसलिए शूट नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और हम इसमें इस पाइप का यूज़ करेंगे जो कि आपके आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जिससे हमारा फ्लूइड फ्लो होगा। और इसे हम इन जगहों पे कनेक्ट करेंगे।
नाउ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कम्प्लीटली बना लिया है। और मैंने इसे नट एंड बोल्ट के साथ बिल्कुल टाइट फिट कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल ऑयल की लीकेज ना होए। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। हम इसके साथ ये कनेक्टिंग रॉड का यूज़ करेंगे और इसे हम अपनी मोटर के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा पंप ऑपरेट हो सके। ये इस पर बिल्कुल फिट बैठ गई है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है। नाउ अब हम अपने पंप को टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने अपने पंप को एक प्लाईबोर्ड पे फिक्स कर लिया है और इसे एक गियर बॉक्स के साथ जोड़ भी दिया है, जो कि एक BLDC मोटर से बना हुआ है। और यहाँ अब आपके सारे कंट्रोल सर्किट्स देख रहे हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोलिक फ्लूइड वाला रिजर्वॉयर देख रहे हैं, इसे मैं शॉप से परचेस करके लाया था। और यहाँ पे आप ये बैटरी देख रहे हैं 11.1 वोल्ट की। देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। पंप को स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लूड आउटलेट में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसे दूसरी बॉटल में कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम इसे इंपिटेंस के टाइम देख रहे हैं, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है ऑयल के इंडिकेशन पे। यहाँ पे एक छोटे से प्रॉब्लम आ गए थे, जिसकी मैं कंप्लीट वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन हमारा पंप बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।